के हाजीपुर में छात्रा की हत्या का मामला अब सुलझ गया है। हत्या के मामले की पुलिस ने पड़ताल की है और अब उस हत्या का खुलासा भी हो गया है। नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से छात्रा की गायब साइकिल, स्कूल बैग इत्यादि भी बरामद किए गए हैं। वैशाली के महनार करनौती में 10वीं की छात्रा की हत्या के बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। बीते 14 सितंबर को घर से कोचिंग क्लास जाने के दौरान नाबालिग छात्रा गायब बताई गई थी। अगले दिन घर के पास ही छात्रा का शव बरामद किया गया था। अपहरण और हत्या के इस मामले के बाद बिहार में लगभग हर जिले हर कोने से विरोध और बवाल की तस्वीरें सामने आने लगी थी। मामले ने सियासी रंग पकड़ लिया था। लोग जगह जगह कैंडल मार्च निकाल रहे थे और सरकार से तुरंत इंसाफ की मांग कर रहे थे। हत्या के सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस निर्मम हत्या को इलाके के कुछ मनचलों ने ही अंजाम दिया था। वैशाली के SP मनीष ने बताया कि मृतक छात्रा के साथ रेप में नाकाम होने के बाद आरोपियों ने छात्रा की हत्या कर दी थी और शव को पोखर में फेंक दिया था। रेप की कोशिश और हत्या के मामले में शामिल 4 आरोपियों सहित पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है, जिसने छात्रा की साइकिल को गायब करने में अहम भूमिका निभाई थी। सुनिए वैशाली के SP मनीष इस मामले पर क्या कह रहे हैं। जब बच्ची बाहर जा रही थी साइकिल से, तो 4-5 लोगों ने पूर्व नियोजित इसको घटनाक्रम को मांगते हुए उसको पकड़ा था। फिर उसके साथ उसको जब पकड़ के लेके जाया था, गमछे से उसको बांधा और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। जो बात सामने आ रही है कि इस व्यक्ति जो है दशरथ मांझी, ये पहले भी जेल जा चुका है। इसकी ख्याति आसपास में अच्छी नहीं थी एवं इसकी अन्य बातें भी हैं जो कि अनुसंधान क्रम में चल रही हैं। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर के इस प्लान को रचा था। ये फोकस रखता था कि बच्ची किस टाइम आती जाती है, उसके बाद इसने घटना को अंजाम दिया। रेप हुई थी क्या सर उस बच्ची के साथ? मेडिकल बोर्ड से इस बंद में पूछा गया था, उनके अनुसार सेक्सुअल असॉल्ट के फीचर्स नहीं पाए गए। ओके सर।